इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, नोटबंदी, गलत जीएसटी, चाइना, ये कमियां हैं, गलतियां की हैं। मगर मेरी अप्रोच यात्रा के साथ ये है कि हम हिंदुस्तान को एक सोचने का, जीने का नया तरीका देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए, चाइना के बारे में पूछिए, शायद आप वो ना पूछें, पता नहीं, बाकी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, बट ब्रॉडली ये है। पीटीआई भाषा से हाँ, पता नहीं ये मतलब ये कहाँ है, ये मतलब दिल्ली में तो है ना हम, ये कहीं और बैठे हैं, ये भैया AICC ऑफिस है ना, ये है अभी है ना। हाँ, तो मुझे पता नहीं, मतलब मुझे तो लग रहा है भैया, पता नहीं मेरी दूसरी रियलिटी हो, आपकी दूसरी रियलिटी हो, मगर मुझे तो ये न्यू दिल्ली दिख रहा है। और कुछ एक, हाँ नहीं, वो तो बहुत कैंपेन चलाते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कैंपेन ही कैंपेन चलाते रहते हैं। मगर जो मैंने कहा और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं इसको 99% बिलीव करता था, 100% बिलीव नहीं करता था, मगर अब मैं 100% बिलीव करता हूं कि सच्चाई को कोई भी कैंपेन, कितना भी पैसा, नहीं छिपा सकता, नहीं मिटा सकता। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। TV18 से रवि सिसोदिया। और जैसे मैंने कहा, अभी कितने लगाए होंगे, 5-6 हजार करोड़ लगा दिए होंगे, थोड़े और लगाइए, कमी नहीं है पैसे की, डालिए और थोड़ा डालिए, लगाइए, कुछ असर नहीं पड़ता है। जी, TV18 से रवि सिसोदिया। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं, कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब यह मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए, तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग। और सारे सीआरपीएफ के लोग जानते हैं, सीनियर्स जानते हैं कि मेरी सिक्योरिटी के लिए क्या करना है। और हमारी सिक्योरिटी बीपी गाड़ी में, मतलब मैं कैसे चलूं आप बता दो मुझे, चला ही नहीं जा सकता है, भारत जोड़ो यात्रा में पैदल जाना है। तो ये तो मतलब पता नहीं, ये शायद केस बना रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, केस बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए। दैनिक भास्कर से अनिरुद्ध। भाई मैं, मुझे बताओ एक बात, मुझे समझा, मुझे समझ नहीं आ रही बात, ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब एक भी यहाँ टी शर्ट में नहीं बैठा है। तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसा, कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है, बना दूंगा आपके लिए। शुक्रिया राहुल जी। रवि त्रिपाठी, बट व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं क्या बताऊं भाई,
राज क्या? गुरुजी, ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। नो सप्लीमेंट्री प्लीज। हो गया? नहीं नहीं, कहने दीजिए, कहने। न्यू ईयर्स। अब देखिए मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होते नहीं, तो मैं उनके भी 2-3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्रीज आपको दे देता हूं। नहीं, एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ठंडी नहीं लग रही अभी तक, और मैं पता नहीं, मुझे लग नहीं रही है, मगर मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा, बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही है। रवि त्रिपाठी जी से। राहुल जी, मेरा सवाल ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है, क्योंकि 2-3 राज्यों में जहाँ आपकी सरकार ने आपने वायदा किया है, और आपने जब उसको लागू करने की बात की है, तो केंद्र सरकार से कंसल्टेशन होना है। केंद्र सरकार मना करेगी, एनडीए में जो पैसा जमा है वो आपको वापस नहीं करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना कितनी बड़ी चुनौती है, और 2024 के लिए क्या है? नहीं, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उसमें हमारे जो स्टेट्स हैं वो इंडिविजुअल डिसीजंस लेते हैं, हम उनको इंडिपेंडेंस देते हैं। तो अब तो मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट भी नहीं हूं, तो ये सवाल आपको खारगे जी से पूछना होगा कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी की पेंशन स्कीम पे क्या स्ट्रेटजी है। मगर जनरली कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर है कि भाई अगर राजस्थान करना चाहता है और हरियाणा हिमाचल करना चाहता है तो उनको करने दो। हम वीटो पार मेंटेन करते हैं कि अगर बिल्कुल कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर हम उसको चेक करते हैं, बट नॉर्मली हम इंडिपेंडेंटली करने देते हैं। भैया वो तो आप मोदी जी से पूछिए ना, उनके भी सवाल मुझे। ओके, ट्रिब्यून से आदित्य टंडन। I think if the opposition stands effectively with a vision, what I am hearing from the ground, what I am seeing from the ground, it will become very difficult for the BJP to win the election. But the opposition has to coordinate properly, and the opposition has to go to the people of India with a vision, with an alternative vision to the BJP, not just go to the people of India. But there is huge undercurrent against the BJP, massive undercurrent. See, every time there's a press conference, there's one or two attempts to, you know, completely take the attention and take it in that direction. Now, I don't fall for these type of things. My focus is on the idea that India should be united, that we fight hatred and anger with affection, love and harmony, and we are providing an alternative vision of this country. So I think that's what I would like to focus on. These questions, of course, you have to keep saying them, because this is the nature of media. So I'm going to let you keep doing that, and you can enjoy yourself doing it, and I'll also have a little fun while you do it. Now Bharat Times se Rajesh Mittal. Namaskar. नहीं, सबसे पहले ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब प्रधानमंत्री के बेसिस पे नहीं दूंगा, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, मैं पहले सोचता था कि ये इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं,
मगर ये अपना काम कर रहा है। आज मैं सोचता हूं कि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है। जो हम अपने बच्चों को विजन दे रहे हैं, जो हम उनको, जो उनका इमेजिनेशन है, जो हमें देना चाहिए हम दे नहीं रहे। तो अगर आप, सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको बताता हूं, मैं कन्याकुमारी से अब दिल्ली तक आया हूं, कितने 108 दिन हो गए। 108 दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात की है और हर बच्चे से मैंने पूछा है, तुम यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो? हजारों बच्चों से पूछा है और मुझे सिर्फ 5 जवाब मिले। मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनेस चला रही हूं, और एक लड़के ने कहा कि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं, बट 99.9% लोग कह रहे हैं मैं लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, जज। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिंदगी में तुम्हारे पास 5 काम है, और रियलिटी यह है, रियलिटी सच्चाई यह है कि ये सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते, तो ये झूठ है। तो हम अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं, बच्चे आते हैं कहते हैं क्या करना चाहते हो? IAS। अच्छा, IAS में कितने लोग जाते हैं हर साल? आप अंदाजा लगाइए जवाब क्या मिलता है। मैं पूछता हूं कितने लोग IAS में हर साल जाते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, क्या लगता है? अच्छा आप बताइए कितने लोग जाते हैं IAS में? 250। बच्चे कहते हैं 500,000, 600,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000। जब मैं उनको कहता हूं भाई 150 जाते हैं, 2-3 को मैंने गलती से कह दिया, एक लड़की को कह दिया, वो रोना शुरू कर दी कि देखिए हम उनको सही इमेजिनेशन ही नहीं दे रहे, हम उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं। तो पहला काम जो एजुकेशन सिस्टम है, और ये टॉप डाउन, ये इमेजिनेशन को मारने का एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन को खोलता नहीं है। तो सबसे सबसे बड़ा काम, और ये शायद 2-3-4 साल में नहीं होगा, मगर डायरेक्शन ये होना चाहिए। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो तो बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो पहली ये बात है। दूसरी बात, ये खुले तरीके से बोल दूं तो ये रेंट सीकिंग नेशन है, इसे प्रोडक्शन नेशन बनना चाहिए। फर्क है, ये जो देश है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करता है, जो जिसके पास स्किल है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो बढ़ई हो, मोची हो, नाई हो, जो भी हो, जिसके पास स्किल है, सबसे पहले उसकी मदद नहीं करते हैं, और दूसरी बात उसकी स्किल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, और उसको, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको मार मार के उससे निकाल देते हैं, और बिना स्किल के रिस्पेक्ट किए ये देश कभी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। सिंपल बात है। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज है कि, और ये मैं थोड़ा जो बॉर्डर पे हो रहा है उसके बारे में कहना चाहता हूं, जो देश में हिंसा है, नफरत है, केओस है, इसका असर, इसका इफेक्ट दूसरे देश देखते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। हमारी जो कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, जो एक प्रकार से इवेंट बेस्ड नॉन स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है, उससे हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और बहुत भारी चोट लगेगी। और मैं इसको दोहराता जाता हूं मगर कोई सुनता नहीं है। जैसे मैं कोविड के समय दोहरा रहा था कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सुनता नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। बट मेन, ये कुछ नहीं हो सकता अगर एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत करता है,
एक आदमी दूसरे को मानने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ नहीं हो सकता। तो फाउंडेशन मोहब्बत, एकता, इज्जत, रिस्पेक्ट है। न्यूज 18 से अरुण कुमार सिंह, हेलो राहुल, जब आप यहाँ से गए थे ये करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, तो विपक्ष को छोड़ दीजिए, आप ही की पार्टी के नेता, आप ही की पार्टी के नेता को भरोसा ये नहीं था कि आप यात्रा पूरी कर पाएंगे, और कई सवाल इनके ही मन में था, और अब जब यात्रा लगभग, आपका सवाल पूछिए, उनके सवाल मत पूछिए, आपका सवाल, ये सवाल ही है, हां संक्षिप्त संक्षिप्त सीधा पूछिए ना, सीधा ही पूछ रहा हूं। तो उसमें क्या है कि अब जब आप यात्रा कर चुके, तो कई लोग कहते हैं कि वो राहुल नहीं है, बदलने वाले राहुल है, इतनी आसानी से इनको नहीं समझा सकते हैं। कुछ चेंज आप अपने आप में देख रहे हैं समझने में, लोगों से बातचीत करने के बाद, कि अब फैसले लेने या बात करने का अंदाज आपका एकदम अलग है, बदला हो गया है, कुछ अंतर है? देखिए, अंतर तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आएगा। अंतर तो व्यक्ति में कंटिन्यूस होता है, नॉन स्टॉप होता है, तो वो तो है। बट जो मेरी फाउंडेशन है, जो नींव है, उसमें मुझे कोई चेंज नहीं दिखा। उसमें वो फाउंडेशन मेरी वही है। जरूर मैं मतलब बहुत कुछ सीखा हूं और हर रोज सीखता हूं, और सिर्फ यात्रा से नहीं, हर इंटरेक्शन में से मैं सीखने की कोशिश करता हूं। तो एवोल्यूशन तो होता रहता है, मगर जो फाउंडिंग प्रिंसिपल हैं कि वो उसमें इतनी चेंज नहीं है। वो मैं ये कह सकता हूं वो और भी स्ट्रांग हो गए हैं, वो कह सकता हूं, बट उसमें इतनी चेंज नहीं आई है। टेलीग्राफ से समझे ना, इट्स क्वाइट हॉट इन हियर, या इट इज, आपको गर्मी लग रही है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है भैया, कुछ करो प्लीज। एसी चलवाओ प्लीज। संजय, आप स्वेटर लिए कैसे बैठे हो इस कमरे में? हाँ, आपकी चमड़ी बहुत मोटी है। उनकी व्यू अलग है, हमारी व्यू अलग है, तो उनका ओपिनियन हमारे से अलग रहता है, हमारा अलग रहता है, तो डाइकोटोमी तो कुछ है नहीं, अलग ओपिनियंस हैं, नहीं अलग व्यू पॉइंट्स हैं। उनका व्यू पॉइंट दूसरा है, हमारा व्यू पॉइंट दूसरा है, विचारधारा दूसरी है, विचारधारा की लड़ाई है। उनको अपनी व्यू पॉइंट रखनी चाहिए, जैसे मैंने कहा, अगर वो अपनी व्यू पॉइंट बदल दें तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी व्यू पॉइंट को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो वो जो उनको जो लगता है वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, और हमें जो करना है हम करेंगे। डाइकोटोमी कोई नहीं, ये बहुत पुरानी लड़ाई है, ये भी बात मुझे समझ आई है। ये एक्चुअली अगर आप मुझे पूछो क्या चेंज है, मैं आपको बताता हूं कि ये मुझे समझ आ गया कि ये बहुत पुरानी लड़ाई है और ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मुझे समझ आ गया। जनेंद्र, एबीपी से। राहुल जी, मैं फिर से आपको 2024 के सवाल पर निकलना चाहता हूं। आपने कहा कि अखिलेश जी को, मायावती जी को भी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए, लेकिन अभी अखिलेश जी ने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। सवाल मैं ये पूरा करना चाहता हूं कि एक तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और दूसरी बात ये, आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ, एक सवाल प्लीज, आपने पूछ लिया ना, सवाल का जवाब दो, एक सवाल प्लीज। नहीं, ये तो पूरे देश को ऑब्वियस है कि बीजेपी और कांग्रेस एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस एक होते तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की तो बात कभी नहीं कर सकते, मतलब हो ही नहीं सकता। कि अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त करो, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी मुक्त कर, बीजेपी इसको भी मिटा दो, वो तो नहीं कह रहे हैं। तो ये तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोज हैं, और ये पुरानी लड़ाई है, पुरानी विचारधारा की लड़ाई है। बट अखिलेश जी की भी जगह है, और उनको ये ऑप्शन, मतलब बोलने का ऑप्शन मिलना चाहिए, और उनका पर्सपेक्टिव है वो उनके लिए ठीक है। हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है, और इसको हम जीतेंगे। नो सप्लीमेंट्री प्लीज।
नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक बात जरूरी है कि ये आइडिया, अब ये टैक्टिकल पॉलिटिकल फाइट नहीं रही, मतलब कि उसमें एक ग्रुप वहां आ जाए और एक ग्रुप मिलके बीजेपी को हरा दे। अब वो गाड़ी गई, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, अब वो एक विचारधारा के हाथ में है, ठीक है, और अब वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्पेस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी, और मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजिशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें। My main takeaway is that there is nothing known as an ordinary Congress worker. There really isn't. In fact, there's nothing known as an ordinary person. I don't like these like type of qualifiers. There's nothing known as an ordinary person. Everybody is unique. Every Congress worker is unique. Every person has a unique way of looking at the world, and it's important that they are treated like that. So, every single one of them, every conversation, I learn something from, you know. Times now say, Ranjita. ये बड़ी शर्त लगाइए, फायदा हो जाएगा आपका। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, यू आर सेइंग दैट। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। In my mind, as I said earlier, the yatra is a conversation, and I don't think it's fair for me to make any comments before that conversation is over. I can answer such questions the day the flag is hoisted in Srinagar and the conversation, at least this phase of the conversation, is over. I can then probably answer your questions, this type of a question. I don't want to take the yatra, you know, and demean it by making it about something that it's not. No, the I outlined it right now, right? Number one, making India a production nation, which means that respecting skills and moving the mindset from one of GDP growth to
जीडीपी ग्रोथ प्लस इंप्लॉयमेंट प्लस प्रोडक्शन प्लस एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट्स द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर एंड इज इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ प्रोडक्शन नेशन इज गिविंग आवर चिल्ड्रन एन इमेजिनेशन. टेलिंग देम दैट लुक इफ यू वॉन्ट टू बिकम आई मीन इट्स अ स्ट्रेंज क्वेश्चन बट वाई इज इट दैट आउट ऑफ lakhs and lakhs of people I've met, thousands and thousands of children I've met, nobody said I want to be a pilot. Nobody said I want to be an astronaut. Nobody said I want to be India's best singer. Why? Because our system is saying to them that these are all dead ends, right? But if you look at countries that produce, and I give this example to kids. If you look at company like Honda, company like Toyota, the people who founded these companies were mechanics. But no mechanic in India can ever imagine that he could one day be the head of a, you know, 1,000, 2,000, 10,000 crore company. Now, if you want to produce, that has to change. So we have to give him the structures that will allow him to do that. It will allow his imagination to do that, right? And then the final thing is, we can see what is going on in the planet. We can see the turmoil that is taking place. And I am absolutely convinced that India has a place, central place in the planet, on the planet, right? And I don't view it so much as look how powerful India is. We are powerful. But we were not that powerful 70 years ago, 80 years ago, 90 years ago. But we had a vision. Right? When Mahatma Gandhi, for example, was speaking about the Indian freedom movement, people in the United States, people in the Soviet Union, everywhere were listening to him. Why? Because there is something very powerful called Indian values, Indian philosophies, Indian thinking. And that's actually our strength. And we're destroying it. So when we make one Indian fight with another, when we are not harmonious, when a foreigner comes to India and he feels terrified that something might happen to him, we are attacking our own system. So these are the type of things that would be part of an alternative vision. Also, by the way, I don't see why only two or three or four people should benefit from the wealth of this country. I just don't understand it. Right? So, a sense of equality. There is a place for large business, I absolutely agree. And they have a central role in India in its future. But it cannot be that there are two or three business people who run this country. It just cannot be. TV9 से कुमार विक्रांत. ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा. स्वागत किसी का भी है बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा. अब वो आप उनसे पूछिए. पहले पता नहीं मुझे थोड़ा मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है. बोलो कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर कभी अंदर कभी बाहर कभी अंदर कभी अंदर कभी बाहर पता नहीं मुझे. आपने पूछ लिया आज. मैं अभी बोलने वाला था कि चीन का नहीं पूछा. हाँ देखिए सबसे पहले मैं एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ. मैं
शहीद परिवार का हूं। मेरे पिता शहीद हुए और मेरी दादी शहीद हुई। यहां पे कोई है जिसकी फैमिली में कोई शहीद हुआ? कोई है यहां पे? आप हैं? हाँ, आपके ब्रदर। तो आपको मालूम है कि क्या लग, कैसी चोट लगती है, क्या फीलिंग आती है, ठीक है? तो मैं समझता हूं और मैं जानता हूं, जब एक युवा अपनी जान देने के लिए खड़ा होता है और जब वो शहीद होता है तो उसके परिवार को क्या होता है, मैं जानता हूं, समझता हूं। और बीजेपी के टॉप लीडरशिप में कोई नहीं है जो समझता है ये, मतलब अच्छी बात खराब बात नहीं है, बट रियलिटी है कि उनके परिवार में कोई, उनकी, उनके पिता या उनकी, उनकी दादी शहीद नहीं हुए। तो मैं बहुत क्लियरली समझता हूं और मैं ये भी चाहता हूं, मेरी जनरल अप्रोच ये है कि मैं चाहता हूं हमारा एक भी सिपाही किसी भी फोर्स का ना शहीद हो। यह मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है कि मतलब मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम इस चीज को कैजुअली लें कि हम सेना को राजनीतिक फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और उसका नुकसान हमारे जवानों को, उनके परिवारों को हो। तो ये मेरे लिए बिल्कुल मतलब सैक्रोसेंट है, मैं ये नहीं करना चाहता हूं, ठीक है? मगर और मैं, और जो हमारे, मैं समझता हूं जो बॉर्डर पे हमारे जवान आज खड़े हैं, अब मेरी टी शर्ट की बात कर रहा हूं, मगर मैं जानता हूं वहां आज खड़े हैं सियाचिन में उधर हिमालय पे, मैं जानता हूं कि उनको क्या डिफिकल्टीज सामना करनी पड़ती है और मैं उनसे प्यार करता हूं, हर सोल्जर से, और मैं चाहता हूं कि उनको कुछ ना लगे, चोट ना लगे। जब हम, जब नेशनल लेवल की लीडरशिप स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियोपॉलिटिक्स में एकदम रिस्पांस आता है। और हमारी सरकार ने जो चाइना का मामला है उसको कंप्लीटली मिसहैंडल कर दिया है, ठीक है? और मैं आपको मेरी थिंकिंग है, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या लक्ष्य था और कांग्रेस पार्टी ने सक्सेसफुली क्या किया था कि चाइना को और पाकिस्तान को एक कभी नहीं होने देना है, ये सेंट्रल हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है? और ये काम हमने बहुत सक्सेसफुली किया यूपीए 2 तक। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये डेंजरस बात है, ठीक है? और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है, हमारी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी, आपको सेना, वायुसेना, नेवी, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात सुननी है, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुननी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। इसका मतलब जो आप पॉलिटिकल यूज कर रहे हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा एकदम, ठीक है? दूसरी बात, जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं और वो मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं मगर नॉन मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं, वो आप शुरू कर दीजिए। तीसरी बात, जो बॉर्डर पे हो रहा है उसको आप छुपाइए मत, क्योंकि चाइना को मैसेज जा रहा है, देखिए चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले गया है, चाइना को मैसेज, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई अंदर नहीं आया, मैं आपके घर के अंदर आ गया, ठीक है? और फिर मैंने आपसे कहा भैया मैं नहीं, आपने मुझसे कहा कि नहीं तो आप तो आए नहीं, तो मैं कौन सा मैसेज ले जाऊंगा? तो ये मैसेज उनको जा रहा है, तो हमें क्लियरली ये कहना है भैया आप अंदर आयो, पब्लिकली कहना आप अंदर आओ, निकलो यहां से। तो ये सरकार इस पर कंफ्यूजन में है और मैं चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन हटे। अब मेरे बारे में क्या करते हैं, जब मैं सरकार की बात करता हूं एकदम कहते हैं मैं आर्मी की बात कर रहा हूं, नहीं मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार में और आर्मी में फर्क है, सरकार ने गलत निर्णय लिए हैं तो सरकार को आर्मी के पीछे, नेवी के पीछे, एयरफोर्स के पीछे नहीं छुपना चाहिए,
ये कायरता है, और सरकार को ओनअप करना चाहिए कि हमने ये किया, ये गलती हुई, अब इसको हम ठीक कर रहे हैं और हम उनको मदद करेंगे। पूरा ऑपोजिशन, सिर्फ मैं नहीं, पूरा ऑपोजिशन सरकार को मदद करेगा, मगर बताइए तो क्या हुआ। शुक्रिया राहुल जी। आखिरी सवाल संजीव चोपड़ा। हो गया प्लीज। The idea of Bharat Jodo is a framework. It's a way of working. It's a way of thinking. So, of course, I'm not the Congress president, and a lot of that work now the Congress president will probably do. But it is about bringing people together and making them comfortable. You know, respect basically. शुक्रिया राहुल जी। भारत जोड़ो यात्रा फिर से I need to ask the new year question myself now, because my one question I get, so why am I not allowed to use a teleprompter? Like, मैंने क्या गलती की है? मतलब आप प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने देते हो, आप दूसरों को भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने देते हो, तो मुझे क्यों नहीं? मगर ऑप्शन तो देना चाहिए। पर एक और सवाल है राहुल। नहीं, मेरा दूसरा है। नहीं, आप बार बार क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, मेरा दूसरा भी सवाल है, और भी अच्छा सवाल है। ये सवाल मैं मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आपने वो अदानी जी को वो ऑप्शन दे दिया जो आपने प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया, कुर्सी बदलने का। तो मतलब ये हो क्या रहा है? अदानी जी को टेलीप्रॉम्प्टर, कुर्सी बदलने का ऑप्शन, प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन, और हमें कुछ नहीं? मतलब हमने क्या गलती कर दी? थैंक यू राहुल जी, शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर राहुल जी, शुक्रिया।